आज जनता जागरूक है और गुड गवर्नेंस समय की मांग है। गुड गवर्नेंस का अभाव हमारी अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की जड़। लोगों की समस्याओं को समझने के लिए आम लोगों से जुड़ना जरूरी है। लोगों से जुड़ने से के लिए आपको विनम्र बनना होगा। सभी आप अनेक उनके साथ संवाद स्थापित कर सकेंगे, उनकी जरूरतों को समझ सकेंगे और उनकी भलाई के लिए काम कर सकेंगे। मुझे ये देखकर हर्षित हो रही है कि प्रशिक्षु अधिकारियों की इस बेस में 133 बेटियां हैं। हमारे देश के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं और पुरुषों दोनों का योगदान महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप सबसे विशेषकर बेटियों से अपील करूंगी कि आप अपनी सेवा के दौरान जहां भी रहें लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। जो हमारे बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में आगे आएंगे तो हमारा देश और समाज सशक्त बनेगा। प्रिय प्रशिक्षु अधिकारीगण, मैं आज आपसे वर्तमान समय के एक ज्वलंत मुद्दे पर बात करना चाहूंगी। आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की समस्याओं से जूझ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। आप सब से मेरी अपील है कि भारत सरकार पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ी जो भी कदम उठा रही है उसके पूरी तरह से लागू करें, जिससे हमारे आने वाले कल सुरक्षित हो सके। मुझे विश्वास है कि जहां प्रशिक्षण के दौरान आप लोगों ने अकादमिक गीत की भावनाओं को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया होगा और ये गीत आपके लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। मेरा मानना है कि आप रहो धर्म में धीर, रहो कर्म में वीर, रखो उन्नत शिर डरो ना की भावना के साथ मोस्टली बालों कर्मयोगी के रूप में देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार और समर्थ है। आप इस जगह में मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। आप आजादी के अमृत काल में सिविल सर्विसेज में प्रवेश कर रहे हैं। अगले 25 वर्ष में आप लोग देश के सर्वांगीण विकास के लिए नीति निर्माण और उसे लागू करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज मैंने इस अकादमी में वाकई सर्विस का उद्घाटन किया, जहां प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण अधिकारियों द्वारा निर्धारित किए गए उनके राष्ट्र निर्माण के लक्ष्यों को टाइम कैप्सूल में रखा जाएगा। मुझे बताया गया है कि इन टाइम कैप्सूल को वर्ष 2047 में उन अधिकारियों द्वारा स्वयं भरा जाएगा जिन्होंने अपने राष्ट्र निर्माण लक्ष्यों को कैप्सूल में रखा है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने इस टाइम कैप्सूल में हमारे देश को इस आजादी के शताब्दी पर आदमी आत्मनिर्भर सशक्त राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा ही होगा। मेरा विश्वास और मेरी आपसे अपील है कि आप स्वयं निर्धारित किए गए अपने लक्ष्यों को सदा याद रखें और उनको पूरा करने निष्ठापूर्वक जुड़े रहें। ताकि जो आप वर्ष 247 में टाइम कैप्सूल को खोले 2047 में टाइम कैप्सूल खोले तो आपको अपने लोगों को पूरा करने का और संतुष्टि। आज मुझे पता है मेरे आने से
से आप कितने खुश, लेकिन मैं ज्यादा खुश। यहाँ ऐसे ज्यादा प्रभावी हूँ, ज्यादा संतुष्ट, ज्यादा खुश। मसूरी के नाम हम सुने थे तो आए नहीं, क्योंकि यहाँ देश के बनाने वाला इंजीनियरिंग को यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। वो इंजीनियरिंग इंजीनियर आपको इसलिए कहते हैं, आप इंजीनियर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी, क्योंकि आप देश को बनाते हैं। गांव के लोगों की खूबियां, उनकी कमियां क्या है, और उनके अंदर भावना है, उनके साथ आप बातचीत किए, आप महसूस किए, गांव के परिवेश, गांव के पर्यावरण, गांव के लोग कितने मासूम, देश के प्रति, समाज के प्रति कितने समर्पित, अपने अनुभव किए। मुझे लगता है ये जो अनुभव आगे जाकर आप जो देश के कोई चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, कोई क्या ऑफिसर बनेंगे, देश को आगे लेने के लिए बहुत सारे सीमें बनाएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। मुझे लगता है वो काम में आए। आज मैं खुश हूँ केवल आपको एक किताबी किताब सीमित नहीं किया गया। डायरेक्टर महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारत के धरोहर केवल मानव विकास में नहीं, मानव विकास से जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं। पहाड़, पर्वत, पेड़, पौधे, पशु पक्षी, खेल कूद, नाच, संगीत, कितनी चीजें, संस्कृति, परंपरा, ये सब चीजें हम देश को बनाएंगे तो ये सब चीजों के प्रति हम ध्यान नहीं देंगे तो देश का ये विकास बुरा रह जाएगा। इसलिए इसके प्रति ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य, क्योंकि आप ही स्वस्थ नहीं होंगे तो देश को किससे स्वस्थ बनाएंगे। इसलिए आपको फिटनेस